हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज के इसमें बात करने वाले हैं, कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों मैंने पिछली बार बताया था कि वाका एप्लीकेशन के बारे में, जो कि वाका में बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन दिए हैं, लेकिन मुझे कुछ फंक्शंस ऐसा भी लगा कि अच्छा नहीं लगा उसमें। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि वो फंक्शन मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, क्या है ऐसा वो फंक्शन जो मुझे वाका में अच्छा नहीं लगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब यहाँ पे 9 सीट देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यानी नीचे 8 सीट है और ऊपर 1 सीट है। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लगा, बाकी सारा कुछ इसमें अच्छा है, बट एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कि मैं अगर बैठना चाहूँ 1 नंबर सीट पे 2 नंबर सीट पे तो यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ नीचे जाऊँ तो नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, सीधे रूम से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं इस सीट पर नहीं बैठ सकता, मैं बैठूँगा तो सेवल ऊपर ही बैठूँगा। यार क्या फ़ायदा यार, इमोजी करूँगा किसी को, किसी विसी करूँगा तो मैं कैसे करूँगा यार। देखो इमोजी, देखो यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे मतलब करता हूँ तो नीचे वाली जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि भाई यार तू ऊपर बैठ के किसको क्या कर रहा है, ऊपर तो कोई नहीं है, ऊपर क्या कर रहे हो। तो यार ये भी एक पॉइंट है, जैसे कि हैगो में था, हैगो में 8 सीट था। ठीक है, हैगो में 8 सीट था और वहाँ पे मैं कहाँ मन चाहे वहाँ पे बैठ जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो इसी तरह एक और एप्लीकेशन है स्टार चार्ट के बारे में बताएंगे, जो हैगो जैसे मिलता जुलता है, बस उसमें आपको कुछ हम फंक्शंस बताने वाले हैं शुरू से अंत तक, बस उसको देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो यूज़ करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये यूज़ करो और ये यूज़ करो, ये बहुत अच्छा है ये बहुत बुरा है, तो मैं ये नहीं कहने वाला हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये वाका जो है ये हांगकांग का एप्लीकेशन है और ये जो है स्टार चार्ट है वो भी हांगकांग का है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपने स्टार चार्ट को ओपन। अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में आपको लिखना है स्टार चार्ट, इसका स्पेलिंग मैं बता देता हूँ STARCHAT, ये आप ये लिखोगे तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप मोबाइल नंबर से या फिर से भी एप्लीकेशन से आपको डाउनलोड कर लेना, यानी इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार चार्ट जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज को लगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इंडियन हाउस, यानी आप यहाँ पे देखो कि कुछ हैगो के जो बंदे हैं यहाँ पे आए हैं और जो हैगो का जो कुछ लगा कर रखे हैं उसी यहाँ पे भी उसका पर्चा यहाँ पे दिख रहा है, जो हैगो से यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो जो देखिए जो जो कंट्री से जो आए हैं वहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है सिर्फ ओनली वन इंडियन। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ पे डिस्कवरी पे देखो नीचे, आपको सबसे नीचे आपको देखना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे बीच वाली डिस्कवरी पे यहाँ पे रहना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे रहोगे तो आपको यहाँ पे इंडिया दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे इंडिया पे टच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया पे टच करोगे तो आपको यहाँ पे इंडिया की सारी रो मिल जाएंगे, जो कि आप गैदरिंग भी देख सकते हो यहाँ पे, जो देख रहे हैं यहाँ पे जो भी पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऑनलाइन में जो भी यहाँ पे दिख रहा है सब गैदरिंग है। ठीक है, तो इसके रो में इतना इतना गैदरिंग है, बेस्ट से कम यार इतना इतना गैदरिंग यार बहुत अच्छा है। ठीक है, देख सकते हो बहुत अच्छा गैदरिंग लेके बैठे हैं, और इसमें फॉलोवर्स की बात करें तो बहुत अच्छा है, गिफ्टिंग भी बहुत होता है इसमें। ठीक है, गिफ्टिंग भी बहुत होता है, और ये देखो ये है उनका फैमिली जो कि अभी नंबर 1 पे है, तमिल किंग नाम है उसका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बैक चलता हूँ और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपको अपना DP कैसे चेंज करना है। नीचे देखना, नीचे आना है, नीचे लिखा रहेगा मी पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पे देखो इस तरह से पेज है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे टच करना है। जब आप यहाँ पे टच करोगे तो आपके सामने प्रोफाइल खुल जाएगा, आपको यहाँ पे प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे है जो है अपना नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अपना जेंडर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हो, यहाँ पे अपना कंट्री चुन सकते हो कि आप कौन सी कंट्री से हो। ठीक है, बाद में कि ये जो तीनों नीचे हैं ये आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ऊपर भरना अच्छा रहेगा, बहुत ही भर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे वॉलेट की, तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी जो है यहाँ पे वॉलेट है, और यहाँ पे फीडबैक की, तो फीडबैक यहाँ से आप डाल सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे फीडबैक कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं आपको अपने चैट रूम के बारे में ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको अपना चैट रूम कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो गाइस नीचे आप देख लेना, इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे रूम पे क्लिक करना है। देखो नीचे रूम है, रूम पे क्लिक करना है। रूम पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आपको देखिए जो प्लस का निशान दिख रहा है, आपको इस पर टच करना है। इस पर जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने नाम लिखने का ऑप्शन आएगा और एक DP लगाने का ऑप्शन आएगा, तो आप जो भी DP लगाना चाहते हैं वो DP लगा लेना। देखो क्या होता है DP लगाने से, कि आप अपने प्रोफाइल पे DP जो कुछ और लगा सकते हो, और जो बाहर से देखेगा उसको कुछ और DP दिखाई देगा। जैसे कि मुझे ये देखो हैगो का DP दिख रहा है, सेम इसी तरह लगा सकते हो, यानी कि हमको दिखाई देगा हैगो, और आप जब अंदर में जाओगे तो आपका DP जो रियल DP आप जो लगाओगे वो DP उसको दिखाई देगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप अपना रूम क्रिएट कर लोगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जब
फिर भी आओगे, कभी भी आओगे, तो आपको इस नाम पे टच करना है। जैसे नाम पे टच करोगे आप सीधा चले जाओगे अपने चैट रूम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक कार का एंट्री जो है यहाँ पे मिल गया है मुझे, ये देख सकते हैं। इसका मैंने आपको बताना भूल गया था गाइस, मैं आपको बता दूँ, जब आप पहली बार ओपन करते हैं ठीक है कोई सा भी आईडी, तो आपको मिलेगा एक फ्रेम और 5 रोज और एक वीआईपी कार, ठीक है। ये वीआईपी कार मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। मैं फिर से जाता हूँ बैक, ठीक है। बैक जाने के लिए आपको ऊपर टच करके एक्टिव होना पड़ता है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि वीआईपी एंट्री कैसे होता है। तो मैं फिर से क्लिक करता हूँ और फिर से मैं किसी और के रूम में आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने रूम में चलना है मुझे। तो यहाँ देखिए फिर से एक कार आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार आ गया है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कार, ठीक है। तो आप पहली बार जब आओगे तो इसी कार आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे रूम में इतने सारे बंदे शो हो रहे हैं और बार बार कार पे एंट्री हो रहा है। दोस्तों ये शो क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं किसी और के रूम में चला गया था और वहाँ से मैं एक्सिट नहीं होकर के सीधा अपने रूम में आ गया और उसी का इफेक्ट मेरे रूम में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कार मुझे एक मिला था, जब पहली बार आप आईडी ओपन करोगे तो आपको कार मिलेगा वीआईपी एंट्री के साथ और आपको एक फ्रेम मिलेगा। फ्रेम कैसे मिलेगा मैं आपको यहाँ पे देखो सीट पे चल के बैठ के दिखाता हूँ। यहाँ पे है 10 सीट, आप देख लो यहाँ पे 10 सीट है और आपको सीट पे बैठना है। जब क्लिक करोगे सीट पे तो आपको यहाँ पे ओपन सीट दिखाई देगा और यहाँ पे क्लोज द माइक सीट, तो मैं ओपन सीट कर लेता हूँ। ये देखिए ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे टच करके फिर से, मैं अगर यहाँ पे फिर से टच करूँगा तो यहाँ पे टेके 10 सीट लिखा है, मैं भी टेके सीट पे जाके यहाँ पे बैठ सकता हूँ। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो मेरे सर के यानी मेरे फ्रेम यहाँ पे देख सकते हो, मेरे जेबी के ऊपर ये फ्रेम लग चुका है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे जहाँ चाहूँ वहाँ पे बैठ सकता हूँ। जैसे कि वाका में मैं कहीं भी नहीं बैठ सकता था, सिर्फ ऊपर ही बैठ सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँ तो जहाँ मन चाहूँ वहाँ पे बैठ सकता था। और देखिए मेरे रूम में कोई आया है, देखिए कितना वीआईपी एंट्री के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड, जैसे लग रहा है कोई चांद पे जा रहा है, ठीक है। तो कोई ना, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा इसमें वीआईपी इफेक्ट है और यहाँ पे मुझे यहाँ पे बैठना है 4 नंबर सीट पे। तो मैं 4 नंबर सीट ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे 4 नंबर सीट पे बैठ जाता हूँ। तो मुझे 4 नंबर सीट पे बैठने के लिए नीचे लीव होना पड़ेगा। तो मैं अपने डीपी पे टच करके यहाँ पे देखिए कुछ 2 ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे पहली वाली पे म्यूट लगेगा और दूसरी वाली पे नीचे लिव हो जाओगे। तो मैं इस पे दूसरी वाली पे टच करता हूँ, मैं नीचे चला गया और मुझे फिर से 4 नंबर पे टच करना है। मैं यहाँ पे टच कर दिया और टेके सीट पे ओके कर दिया। मैं जैसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मुझे कौन सा भी सीट पे मुझे जहाँ बैठना है वहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस एप्लीकेशन में ये अच्छा लगा जी, ये बिल्कुल हैगो की तरह है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ कि हैगो में जो गेम है वो इसमें नहीं है, जो आप गेम खेल के भी अपना टाइम पास करते थे इसमें वो गेम नहीं है। इसमें आप 10 सीट दिया है, उसमें 8 सीट है, इसमें 10 सीट है, ओके। तो इसमें बहुत ही अच्छा है। नीचे आप देख सकते हो नीचे जो ये वॉल्यूम दिख रहा है आवाज़ की तरह, अगर आपके रूम में कोई आ रहा है आपको आवाज़ पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर टच कर दोगे तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से साउंड दिखाई देगा। आपको चाहे तो आप यहाँ पर साउंड पर क्लिक करोगे तो ये साउंड बंद हो जाएगा, यानी जो वो लोग बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगा, ओके। तो मैं इसको अभी ऑन कर देता हूँ और मुझे म्यूट लगाना होगा तो मुझे अपने डीपी पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए ये वाली ऑप्शन पे टच करना है और मैं म्यूट लग जाएगा मुझे, ठीक है। अभी देखिए म्यूट कैसे लग गया, ओके। अब बात करते हैं म्यूट, मैं अभी ओपन कर देता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे चैट के, आप देखिए नीचे से मेंशन कर सकते हैं कुछ भी, अगर चाहें तो आप अपने रूम को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह कहीं भी। अगर बात करें यहाँ पे इमोजी की, तो इमोजी यहाँ पे जो है जो वाका में था सेम उसी तरह थोड़ा जो है चेंजेस करके यहाँ पे दिया है, ठीक है, थोड़ा चेंज करके यहाँ पे दिया है लेकिन सेम वाका की तरह ही है, ठीक है। आप इधर से भी किसी कर सकते हो और इधर से भी किसी कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको नया इमोजी देख रहे हो क्या मिल जाता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप हैगो में देखे होंगे कि ये थोकने का स्टाइल कुछ अलग था और इसमें थोकने का अलग है, ये मैं आपको थोक के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे थोक आप देख सकते हो, इसी तरह जो है थोकने का स्टाइल बहुत ही अलग है। अब देखो इधर चाहो तो आप थोक सकते हो, इधर चाहो तो इधर थोक सकते हो, ओके, दोनों तरफ है, आप जिधर जिधर चाहो उधर थोक सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे जो यहाँ पे गुस्से का जो इमोजी है, यहाँ पे देखिए गुस्सा वाला इमोजी आप देख सकते हो। यहाँ पे गुस्सा, अगर गुस्सा करते हो या कोई गुस्सा करता है तो वो तरीका, यहाँ पे देखो सर से आग निकल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको गुस्सा अगर आता है तो ये कर सकते हो,
दोस्तों कोई अगर आपके रूम में ज्यादा बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, मुंह पे ताला लगा लो, यानी मुंह पे जिप लगा लो। ये देखो यहाँ पे इस तरह से इमोजी करोगे वो समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अच्छा है, और यहाँ पे गाजा वेरी जो भी पी के यहाँ पे देख सकते हैं यार, इतना अच्छा अच्छा इमोजी दे दिया है ना इसमें। और बात करें यहाँ पे गिफ्टिंग, गिफ्टिंग की बात करें तो गिफ्टिंग भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा गिफ्टिंग है, ठीक है, बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग है यहाँ पे। और बात करें इसमें म्यूजिक कैसे बजेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए पीके के बारे में बताने वाला भूल गया मैं, यहाँ पे पीके की बात करता हूँ। तो पीके आपके रूम में दो बंदे होना चाहिए, मैक्सिमम दो बंदे होंगे तो ही आपका पीके ओपन होगा, ओके। और बात करें यहाँ पे डाइस की, तो यहाँ पे डाइस भी है, और यहाँ पे वोट है, और यहाँ पे पिक्चर्स, पिक्चर्स की बात करें तो पिक्चर्स ये है कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप योयो में देखे होंगे, योयो एप्लीकेशन में, कि कोई बंदा यहाँ पे मेंशन करता है पिक, ठीक है, आपके चैटों में अपना पिक या फिर अपना जो भी पिक भेजना चाहता है वो यहाँ पे भेज सकता है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे लेवल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बताया है आपके लेवल 7 होना चाहिए तभी आप यहाँ पे भेज सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे म्यूजिक की, तो आपको अपना म्यूजिक बजाने के लिए यहाँ पे म्यूजिक लिखा है, इस पर जैसे ही आप यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे देखिए ऐड लिखा है, ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इतना सारा मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नीचे ऑल लिखा है, अगर आपको सारी वीडियो सारी गाना को ऐड करना है तो सारी कर लेना, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे प्लस का निशान दिख रहा है, इस प्लस पे टच करोगे, उसके बाद ऊपर यहाँ पे देखो बैक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, इस पर टच कर देना, बैक करोगे तो यहाँ पे आपका गाना यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना सारा कुछ आपको बता दिया है। बात करें अब मुझे जाना है किसी और के रूम में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनवाइट की बात करें तो आप किसी को इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ अलग दिया है, हैगो की तरह इनवाइट इसमें नहीं है, वो एक कमी है, लेकिन सेम टू सेम हैगो की तरह ही है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत ही आसान है किसी के रूम में जाना, आप देख सकते हो पॉपुलर है, न्यू है, मोर है, आप जहाँ भी चाहो वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंडियन, आप देख सकते हो इंडियन सारे रूम हैं, और यहाँ पे मुझे जाना है, चलो मैं इसके रूम में चलता हूँ और इनके रूम में आपको जाके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इसके रूम में इंटर हो गया हूँ, और यहाँ पे ये अपना डीपी लगा के रखा हुआ है, वो मैक और अच्छा लग रहा है, देखिए इसके रूम में मैं आया, और यहाँ पे देखिए वीआईपी एंट्री हो चुका है। तो चलिए मैं आपको अपने रूम में चलता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने रूम में डीपी कैसे लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मुझे अपने रूम में जाने के लिए सबसे पहले मैं टच कर लेता हूँ, और मैं आपको डीपी लगाना भूल गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अपना मनपसंद डीपी लगा सकते हो। तो सबसे पहले नीचे आपको ये 4 डॉट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे टच करना है, यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, आपको सेटिंग में टच करना है दोस्तों। यहाँ पे सेटिंग में जैसे ही टच करते हो तो आपके सामने इस तरह से इतना सारा पेज खुल जाता है, आप यहाँ से जो है यहाँ पे थीम का ऑप्शन हुआ कहीं भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ, तो यहाँ पे थीम, यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे थीम मिल गया है, ठीक है। तो चलिए मैं अभी टच कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने टच कर लिया तो मुझे इतना सारा जो है फ्री का थीम मिल गया। अब देखो यहाँ पे ये सब फ्री का थीम है, आप जो चाहो इसमें से लगा सकते हो, इसमें कोई आपको पेड नहीं करना पड़ता है। बात करें आपका अपना खुद लगाना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको मैं लिखा है, मैं पे टच करना है, यहाँ पे खाली है तो आपको यहाँ पे टच करना है एक बार खाली जगह पे, तो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो कस्टमाइज लिखा है, आपको ऊपर टच करना है, ऊपर टच करने के बाद इधर आपको लिखा है प्लस का निशान, आपको यहाँ पे टच करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है गैलरी मेरा खुल गया, आप चाहो तो यहाँ पे गैलरी में जाके अपना फ़ोटो इसमें ऐड कर सकते हो। ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कुछ पेड करना पड़ता है, देखिए पेड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट दिया गया है जो आप इनसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक महीने के लिए 300 गोल्ड्स देने पड़ते हैं, जो उनके डायमंड वगैरह जो भी कुछ होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से पूछ लेना, देखिए उन्हीं से कॉन्टैक्ट दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना मनपसंद अपना डीपी लगा सकते हो इस चैट रूम के अंदर, ओके। तो चलिए मैं आपको फ्री वाली लगा के दिखाता हूँ, फ्री का जो होगा इसमें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो उसने लगाया था ये वाली चैट रूम, तो मैं ये लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, लगाया था, और मैं भी आपको यही लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ, और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये जो थीम है आप अगर रात में भी ऑनलाइन आते हो तो आपके आँखों पर असर नहीं पड़ेगा, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो गाइस मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, बस मेरे चैनल को ना अंगूठा मार मार के सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो।